छतरपुर में 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए हाईटेक स्टेडियम पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए खिलाड़ियों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से भेंट की। छतरपुर में बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम की खिलाड़ियों के लिए कायापलट कर दी गई है। बता दें कि इस स्टेडियम में सरकार ने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिस वजह से स्टेडियम पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए खिलाड़ियों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से भेंट की। खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम में हर वर्ष रावण दहन होता था, साथ ही कई प्रकार के सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगनी चाहिए ताकि खेल मैदान खराब ना हो सके और स्टेडियम हाईटेक बना रहे। स्टेडियम जैसे मैं पहले भी देखा था, पहले जैसे पानी आनी बरस जाता था तो असुविधा होती थी बच्चों को दौड़ने के लिए, कीचड़ ही चढ़ जाता था। तो शासन द्वारा वहाँ स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जैसे बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बन चुका है, लेकिन वहाँ पर अन्य कार्यक्रम ना हो, यही आप लोगों से निवेदन है। और स्टेडियम इसी प्रकार से बना रहा है, इतनी वजह से सुंदर बना रहा है और टिकाऊ बना रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम चले, यही आप लोगों से निवेदन है। पहले वहाँ ग्राउंड काफ़ी धूल मिट्टी थी, उसके बाद ट्रैक बना खिलाड़ियों के लिए, वहाँ पर दौड़ने के लिए व्यवस्था हुई। उसके बाद अभी सुनने के लिए आ रहा है कि रावण जल रहा है, ये हो रहा है, हम लोग की सर प्रैक्टिस वहाँ पर रुक जाएगी और फिर उसने उसके रिकवरी में भी काफ़ी टाइम लगता है, कब तक उसकी रिकवरी होगी, क्या होगा। उसके बाद अभी हाल कॉम्पिटिशन भी आ गए हैं कॉलेज वाले सब, तो यही देख कर सर आप जो भी डिसीजन लीजिए सर थोड़ी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।